हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। आई एम रक्षा और अपने इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैं तीन पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए। इस वीडियो में हम टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और जेईई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें जीके आती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत इनमें से क्या बन गया? सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भारत बना सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारा भारत बना। जो हमारा संविधान था वो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, जिसके हेड थे हमारे बी आर अंबेडकर आपके हेड थे। और हमारा जो संविधान हमने जो अडॉप्ट किया था वो कब किया था? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, और इफेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद संविधान में संशोधन हुआ और कुछ वर्ड्स जोड़े गए, तो भारत उसके बाद बन गया था सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? तो ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया है आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 50। तो सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 48 में क्या किया गया है? तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 52 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति के कर्तव्य। आर्टिकल 50 में क्या है? ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया है। आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थान है, उनका संरक्षण आर्टिकल 49 में। एक आर्टिकल के बारे में आजकल काफी चर्चा में है, तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किसके बारे में है? मनी बिल के बारे में है आर्टिकल 110। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा? इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी। धर्मनिरपेक्ष वर्ड या सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इंदिरा का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42nd अमेंडमेंट में काफी सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक वर्ड जोड़ा गया था सेक्युलर और एक वर्ड जोड़ा गया था सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़े गए थे। तो उसके बाद हमारा प्रीएम्बल में ये डेफिनेशन हो गई थी, सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र, ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा यूनिटी ऑफ नेशन की जगह एक वर्ड और जोड़ा गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी तो ऑलरेडी था, इन एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया ऑफ नेशन। तो ये चेंजेस किए गए 42nd अमेंडमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चेन्नई का पुराना नाम था आपका मद्रास, तो चेन्नई को मद्रास के नाम से भी आता है। बेंगलोर के काफी सारे नाम है, बेंगलोर को आईटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर आप बोल सकते हो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, या गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेंगलोर के काफी सारे नेम्स हैं। इसके अलावा लेक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो लेक सिटी के नाम से हम जानते हैं उदयपुर को, और भोपाल को भी जाना जाता है, भोपाल को हम लेक सिटी के नाम से जानते हैं, उदयपुर को भी लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको बोला जाता है? पंजाब को। 5 नदियों का राज्य जो है वो आपकी, 5 नदियों की भूमि पंजाब है, तो पंजाब को जाना जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से। इसके अलावा सिल्क सिटी पूछा जाता है, सिल्क सिटी जाना जाता है भागलपुर, बिहार का जो भागलपुर है उसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में
इनमें से क्या चीज सही है? तो पहली चीज तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी में तीन लेयर होती हैं आपकी। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, उसके नीचे वाली लेयर होती है मेंटल, उसके नीचे वाली लेयर होती है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाते जाते हो, वैसे वैसे आपकी डेप्थ अगर बढ़ती जा रही है तो टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। डेप्थ बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो तापमान बढ़ती गहराई के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो लावा है, जो मेल्टन लावा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो क्रस्ट है वो सबसे कठोर पार्ट होता है, और जो कोर है उसके भी दो पार्ट होते हैं। आउटर जो है वो लिक्विड होता है, और जो इनर पार्ट है वो आपका सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उनमें से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं वो है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है आपकी, वो करीब करीब उसमें 24 पीक्स हैं, और ये आपकी तमिलनाडु के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला के बीच में है ये वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट जो वहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी है हिल्स। इसके अलावा कार्डमम जो हिल है वो आपकी सबसे ज़्यादा लास्ट वाली जो हिल है वो है कार्डमम, और इस यहाँ पे इलायची उगाई जाती है, इसलिए इसका नाम है कार्डमम पहाड़ियाँ हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इन ईयर। वैल्यू एडेड टैक्स VAT कब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया? तो 2005 में। कब? 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को इंट्रोड्यूस किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एक स्टेट में लिया जाता है। मतलब कि अगर आप गुड्स बेचते हो और खरीदते हो एक सेम स्टेट में, तो वहां पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो है वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में समेकित निधि के बाहर राज्यों के राजस्व में अनुदान की व्यवस्था करने वाले सिद्धांतों का कौन सा प्राधिकरण अनुशंसा करता है? तो ये क्या दिया गया है? ये करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त आयोग। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 280 में दिया गया है। आर्टिकल 280 में ये बताया गया है कि जो फाइनेंस फाइनेंशियल रिलेशन होगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होगा उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 280 में। तो ये इसके बारे में बताता है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम 100 जो टाइम मैगजीन है, 100, उसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2019 की लिस्ट में रिलीज हुई है, उसमें इंडिया के कौन से नाम है? तो इंडिया से ये तीन लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में इंडिया के तीन लोग हैं, वो इस ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, मुकेश अंबानी, हाँ मुकेश अंबानी है, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। तो मुकेश अंबानी, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, ये तीनों ही हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव, ये तीन टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल 2019 में शामिल किए गए हैं इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रही हैं, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये दोनों। और मुकेश अंबानी कौन है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो MD और चेयरमैन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो है मुकेश अंबानी। तो ये तीनों मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल 2019 की लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल एक प्रकार का है, एसिड। एसिड क्या चीज है? तो डोनेट प्रोटोन, प्रोटोन डोनेट करता है, बिल्कुल एसिड जो है वो प्रोटोन डोनेट करता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ प्रोटोन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। गिव H+ आयन इन वाटर, तो H+ आयन को वाटर में देता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। एसिड जो कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, प्रोटोन को डोनेट करे और हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे, H+ आयन को डोनेट करे, उसको बोलते हैं हम एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टार्टरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, टार्टरिक एसिड इनमें से किस में से मिलता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है फ्रूट्स में। तो फ्रूट्स में जनरली ये पाया जाता है आपका ग्रेप्स में, बनानाज में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ग्रेप्स बनानाज में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में, आंट में। और कौन सी आंट? रेड आंट में, रेड आंट में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इसको फॉर्मिका से लिया गया था, उसकी के नाम पे पड़ा इसका फॉर्मिक एसिड। यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है यूरिन में, यूरिन ऑफ मैमल्स,
यूरिन ऑफ मैमल्स में पाया जाता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इंटू रेड इन द सोल्यूशन ऑफ, तो ये क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होती है, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, तो ब्लू से रेड में करता है एसिड और रेड से ब्लू में करता है बेस, रेड से ब्लू में करता है बेस। तो बी से आर में जाएंगे तो ए पहला, बी पहले आता है आर बाद में आता है, तो आप ए से याद रख सकते हो, आर टू बी ये बाद में आता है ये पहले आता है, तो बी ऑप्शन दे देंगे। तो एसिड करता है ब्लू से रेड में और बेस करता है आपका रेड से ब्लू में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोसिंग द डेथ बाय ड्रॉइंग, ठीक है, तो डूबने से होने वाली जो मृत्यु है उसके लिए इनमें से कौन सा समूह महत्वपूर्ण है, तो ये है डायटम। ये जो डायटम है वो आपका फॉरेंसिक स्टडीज में यूज किया जाता है, तो फॉरेंसिक स्टडीज में यूजफुल है। और ये कहाँ मिलता है, ये एक फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है जो कि आपको एक्वेटिक वाटर में मिलता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट जहाँ भी होगा वहाँ सभी में पाया जाता है, जैसे कि फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, ऑलमोस्ट है एवरी ह्यूमिड प्लेस पे आपको ये मिलेगा डायटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्चे बैक्टीरिया का समूह किस के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो आर्चे बैक्टीरिया का समूह इनमें से मेथेन के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेथेन के उत्पादन में। ये एक सब किंगडम है, किंगडम प्रोकैरियोटिक का, सब किंगडम है किंगडम प्रोकैरियोटिक का, जिसमें कि एक प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन जैसे कि सेल वॉल है या फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी तरह से प्रेजेंट होता है आर्चे बैक्टीरिया में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से प्रेजेंट होता है, मतलब कि एक ये मैच्योर्ड होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिला के मेथेन बना देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और मेथेनॉल एथेनॉल मिला के आपका क्या बना देते हैं, एसीटेट के साथ CH4 मतलब कि मेथेन बना देते हैं, तो ये आपकी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में निम्न में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, तो इनमें से कौन सी चीज संविधान में नहीं बनाई गई है, तो संविधान में इनमें से नहीं है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग के बारे में नहीं बताया गया है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में संविधान में कहां लिखा गया है, संविधान 3 के आर्टिकल 324 में, 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो 280 आर्टिकल में है फाइनेंस कमीशन, और पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल में है, पब्लिक सर्विस कमीशन है 315 आर्टिकल में, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन और 324 है इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन के बारे में कोई उपबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम करते हैं एसिटिलीन गैस का उपयोग, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस यूज की जाती है। किसी किसी देश में आप कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये मॉइस्चर के साथ मिलके एसिटिलीन गैस बना लेता है, तो जनरली हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस यूज की जाती है, कैल्शियम कार्बाइड अगर आएगा ऑप्शन में तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंद को पकड़ने के दौरान स्विंग देने वाला एक फील्डर किसका उदाहरण है, तो गेंद को पकड़ने के टाइम पे जब हम स्विंग करते हैं तो वो आपका उदाहरण है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो बताता है क्यों करते हैं ऐसा, जैसे हम अपने हाथों को स्विंग करते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका कम हो जाता है और जो फोर्स है हाथों पे जो फोर्स लगेगा उसके लिए जो टाइम मिल जाता है तो फोर्स कम लगता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इसकी वजह से फोर्स आपके हाथों पे कम अप्लाई होगा और कम दर्द होगा, तो इस वजह से हाथों को स्विंग किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो है इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसका क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई चीज आपकी रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक आप उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाओ, और अगर चल रही है वो तब तक ही चलती रहेगी, ठीक है। जड़त्व का नियम, जो चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है,
थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर कोई एक्शन है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। जैसे कि अभी आप अगर अपने फ्रेंड में मारें तो उसको जितना दर्द होगा उतना ही आपके हाथ में दर्द होगा। मतलब गाल एक सॉफ्ट जगह है तो गाल में थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, हाथ में कम दर्द होगा, बट जितना आपने फोर्स अप्लाई किया उतना ही इक्वल फोर्स वो भी अप्लाई करेगा। तो आपकी हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी क्यों हो जाती है? जब हम साइकिल चला रहे हैं और हमने पैडल चलाना बंद कर दिया, मतलब हमने जो फोर्स लगा रहे थे, हम जो काम कर रहे थे, वो हमने काम करना बंद कर दिया, और जो नीचे से ये फ्रिक्शन हो रहा है, अपोजिट फोर्स जो लग रहा है वो तो चल रहा है, इस वजह से जो आपकी साइकिल है वो धीमी हो जाएगी। तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस पर काम करता है, इस वजह से ये धीमी हो जाती है। आपने काम करना बंद कर दिया, आपने इसमें प्रोसेस करना बंद कर दी, बट यहां से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो लग ही जा रहा है ना, तो इस वजह से जो है धीरे धीरे वो धीमी होती जाती है और लास्ट में बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने मिलकर एक नए टोकन, जो एक छद्म टोकन है, एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाया है, निजी ब्लॉकचेन लॉन्च किया है, इस टोकन को क्या कहा जाता है? ये टोकन है लर्निंग कॉइन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लर्निंग कॉइन। ये इन्होंने पर्सनली बनाया है अपने लिए, IMF और वर्ल्ड बैंक ने, तो टू टीच रिलेवेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेवेंट चीजें उन लोगों के लर्न करने के लिए ही बनाया गया है ये टोकन, जिसका नाम है लर्निंग कॉइन। तो लर्न करने के लिए ही बनाया गया है, टीच के लिए बनाया गया है, तो इससे आपको याद रहेगा, लर्निंग कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है, इनमें से किस चीज में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। कल का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की, वो क्या होती है? तो ये होती है 65 ईयर्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सही आंसर दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।